जो भीड़ भाड़ हुआ करता था अब वो भीड़ भाड़ बेहद कम दिख रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि कल मौसम विभाग ने हमने एक अलर्ट जारी किया था ऑरेंज अलर्ट, जिसके बाद से जो है प्रशासन जो है हरकत में आने के बाद जो समुद्र किनारे जो लोग जाते थे उनसे किए गए, अगर बात करें चौपाटी चिंगाउन चौपाटी या गेटवे ऑफ इंडिया के निकट जो समुद्री लहरें जो होती हैं जो हाई टाइड की आशंका बनी हुई है उसको देखते हुए प्रशासन पूरी तरीके से हरकत में है और लोगों को जो है अवेयर कर रही है, लोगों को जो है सूचित कर रही है कि आप जो है जितना हो सके समुद्र किनारे जाने से जो है सावधानी रखिए और समुद्र किनारे ना जाए, क्योंकि हम सब न केवल मुंबई बल्कि पूरे महाराष्ट्र में इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं इस तरीके से लगातार जो है बाढ़ की जो समस्याएँ हैं जो सामने आ रही हैं और लगातार जो भी हमें देखने के लिए मिल रहा है जो भी वहाँ जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है और इसके बाद जिस तरीके से मुंबई में पिछले दो दिनों से जो है बारिश की स्थिति है उसके बाद जो है मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए तीन दिनों का जो है भारी मौसम भारी बारिश होने का जो है अनुमान लगाया था, जिसके बाद सरकार जो है कि इलाका जो है कि मरीन ड्राइव का इलाका है मेरे पीछे आप देख सकते बड़ी बड़ी लहरें जो है क्योंकि दिखाई दे रही है, मैं आप पास में जाके नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे जो सबसे बड़ी समस्या ये अगर हम पास में जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जो कैमरे में है हमारा जो समुद्र का अगर पानी जाता है तो कैमरा ख़राब होने का भी पूरा चांसेस होता है, इसलिए हम जो भी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं वो दूर से दिखा रहे हैं और लगातार पर्यटन जो है बारिश का कहीं ना कहीं जो है लुफ्त भी उठाते नज़र आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से सरकार लोगों को अवेयर कर रही है उनका कहना है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है निकलना है ज़्यादा बहुत ज़रूरी काम है तो भी आपको सामान आपको घर से बाहर कोई ज़रूरत नहीं है और अगर यहाँ से कुछ दूरी पर जो है लोकल स्टेशन भी है जो मरीन ड्राइव का जो है मरीन ड्राइव कहा जाता है यहाँ पर और लोकल की जिस तरीके से रात से ही जो है लगातार बारिश होते हुए जो है दिख रहा है, इस समय भी आप देख सकते हैं किस तरीके से बारिश जो है लगातार हो रहा है, हम जो है मरीन ड्राइव के बीच में मरीन ड्राइव के बीच में जो है लगातार बारिश हम सबको दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर बारिश का मजा भी लुफ्त उठा के भी दिख रहे हैं। चलिए अभी के लिए बस इतना ही, खबर देखते रहिए मेट्रो मुंबई, बने रहिए कुछ नए अपडेट्स के लिए हम आपको जो है निरंतर बारिश से जुड़ी सारी जो अपडेट्स हैं वो देते रहेंगे।